हेलो दोस्तों, वेलकम टू व्रूम व्रूम। तो आज हम लेकर आए हैं वीडियो एक्सेल 6 मारुति सुजुकी 2022 का फेसलिफ्ट मॉडल जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये वीडियो उसके बारे में होने वाली है और उसके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और जो उसमें नए फीचर्स लोड हुए हैं उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसी और भी ऑटो अपडेट्स आपको मेरे चैनल पर मिलती रहें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं इसके प्राइस के साथ। इसका प्राइस शुरू होता है 11.29 लाख से और इसके टॉप वेरिएंट का प्राइस जाता है 14.55 लाख तक। और अगर बात करें इस गाड़ी में कलर ऑप्शंस की तो ये गाड़ी आपको डुअल टोन में मिल जाती है जिसमें आपको रूफ ब्लैक मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट ग्रिल से जिसमें आपको मिलता है बहुत सारा क्रोम। तो आप देख पा रहे हैं इसमें इतना सारा क्रोम लोड किया है सुजुकी वालों ने कि ये दिखता अच्छा है, पर हाँ ये इस गाड़ी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। और बात करें इनके हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स की तो वो पुराने जैसे ही हैं, पर हाँ टोटल जो काम है गाड़ी में हमेशा जो रहा है पुराना, और अभी मैं नए की बात करूँ तो दोनों जो लाइट्स हेडलाइट्स की बात करूँ तो दोनों में LED आपको मिलेगा। मतलब दोनों जो पहले जो XL6 थी उसमें भी LED था और अभी भी LED ही है। तो अगर मैं साइड में आता हूँ सबसे पहले फोकस जाता है इन टायरों पे। जो टायर आपको पहले मिलते थे XL6 में वो 15 इंच के थे और जो इसमें आप मिले हैं आपको 16 इंच के डुअल टोन टायर्स XL6 में दिए गए हैं, जो एक फोकस वाली बात बनती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमको मिलता है कैमरा मॉड्यूल ORMP नीचे। तो अब इस गाड़ी के साथ एक पैक्ड एरिया से निकलना और पैक्ड एरिया में पार्किंग करना होने वाला है आसान। तो आप आसानी से कर पाएंगे पार्क एक अच्छे पैक्ड एरिया में क्योंकि आपको इस गाड़ी से मिलता है 360 कैमरा। और अगर मैं साइड से देखूँ तो ज़्यादा चेंजेस गाड़ी में आए नहीं है, पुरानी जैसी ही लग रही है, तो ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है। अगर पीछे जाएं और पीछे की बात करें तो जो मेन चेंज आया है वो आया है इस बैक लाइट में जो एक स्मोकी लुक दे रही है, और जो ये लेंस है ये क्लियर लेंस हो चुका है। और जो आपको ये रेड दिख रहा है, आपको पीछे जो रेड लाइट आपको दिख रही है इसमें, ये और शाइनी हो गई है पहले से ज़्यादा। तो ये बहुत प्रीमियम लुक देगी, जब रात को ये नाइट में जलेगी तो ज़्यादा प्रीमियम लुक देगी, तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तो और कुछ खासा ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बैक में गाड़ी के जो पीछे है इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, तो दूर से जो पहले थी वैसे ही लगती है। तो बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है वो बनता है ये टच स्क्रीन जो दिया गया है, इसको नाम दिया गया है स्मार्ट प्ले प्रो का। और अगर मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो उसमें कुछ ज़्यादा खासा चेंज है नहीं, वो एकदम पुराने जैसा ही है जैसे पहले का था। और अगर मैं बात करूँ गाड़ी के वेंटिलेशन के बारे में तो हमें मिलती है वेंटिलेटेड सीट्स और हमें मिल जाता है इस गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन भी। तो हालांकि अगर बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की तो हमें इसमें 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं, 2 फ्रंट में 2 साइड में। तो पीछे पैसेंजर्स के लिए एयरबैग्स नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा आपको अब फाइनली टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें मिल जाता है। एंड फाइनली बात कर लेते हैं इसके इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में। तो हमें यहाँ मिल जाता है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। फाइनली इस गाड़ी में आ चुका है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जो जिसकी बहुत मारुति को ज़रूरत थी, तो इस गाड़ी में वो दिया गया है। और वो आता है साथ में इन दोनों पैडल शिफ्टर के साथ। अब तो गियर बदलना हो जाएगा बहुत ही आसान XL6 में। तो ये थी कुछ बातें XL6 के बारे में। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, और अगर इसमें ऐसा लगता है कि आपको कुछ अपडेट्स और होने चाहिए थे या जो हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और वो आपको पसंद है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।